नमस्कार दोस्तों, आइए स्वदेशी उपचार में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, दमा कफ युक्त खांसी, कैसी भी खांसी हो, यहां तक कि दमा हो, कफ हो, तो आपको इसका इलाज कैसे करें मैं आपको बताने वाला हूं। आइए, मैं ऐसे ऐसी जानकारियां लेकर के आता हूं ताकि आपको आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट न करना पड़े, डॉक्टरों के चक्कर न लगाना पड़े। स्वदेशी उपचार उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने देश से प्रेम करते हैं। एक रोग दमा कफ युक्त खांसी ऐसा रोग है जो अच्छे अच्छे को हिला करके रख देता है, तोड़ के रख देता है। इंसान बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाता है मगर उससे कोई फायदा नहीं होता। मैं आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट ना होगा और मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि अगर ये रोग आपको होगा तो बहुत जल्द आपको ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपने मदार का नाम तो सुना होगा, आग का पत्ता, अकवन का पेड़, इसका नाम सुना होगा। मैं इसका फोटो भी आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों आग का पौधा है जिसे अकवन, मदार का पेड़ के नाम से भी बहुत सारे इसके नाम हैं जाना जाता है। आप इसे देख लीजिए, इसके फूल हैं, इसके फल हैं, इसके पत्ते हैं और इसमें सफ़ेद दूध निकलता है। दोस्तों, इसका फूल कभी कभी पीला भी होता है, इसके पत्ते कभी कभी पीले भी होते हैं, मगर खास करके सादे फूल वाले पौधे ज़्यादा दवा में काम किए जाते हैं। ये पौधे आज आपके खांसी, किसी भी प्रकार की खांसी हो, कफ युक्त हो, यहाँ तक कि दमा हो, इससे आपका दमा भी ठीक हो सकता है। तो आइए इसका फायदा मैं बताता हूँ, इसका विधि बताता हूँ, कैसे आपके दमा खांसी कफ ठीक होगा। दोस्तों, इसके चार पत्ते लीजिए, चार पत्तों को धूप में सुखा लीजिए। धूप में जब सूख जाए उसके बाद आप काली मिर्च 8 चम्मच लीजिए, इसके डबल, चार पत्ते और 8 चम्मच काली मिर्च आपको लेना है और दोनों को मिक्स कर लीजिए। दोनों को मिक्स करने के बाद आप इसको गोल गोल चना के दाने जितना आप इसको गोली बना लीजिए और सुबह शाम आपको 2 टाइम खाना है, खाली पेट, जब आपका पेट खाली हो तब इसे आपको खाना है। आप 4 पत्ते से और 8 चम्मच से जितने भी दवा बने हैं, आप इसका डोज, इसका खुराक जब खत्म हो जाएगा आप देखेंगे आपकी बीमारी इतना ही में खत्म हो गया रहेगा। दोस्तों, जटिल से जटिल खांसी दमा, इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं, मैंने आपको और वीडियो में बताए भी हैं। मैं चाहता हूं कि हर कोई आग के पत्ते से, आग के पेड़ से, आग के फूल से, आग के फल से फायदा उठाए, अपना मेहनत का पैसा यूं ही किसी डॉक्टर नीम हकीम के पास ना दे। आप खुद आपकी बीमारी, आप खुद अपना इलाज इससे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को ही बताएं, अपने पड़ोसियों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, क्योंकि दमा खांसी आजकल देखा जाए तो 75% लोगों को हो जाता है, खास करके जिनकी उम्र 50 की हो गई है, आम बात हो गई उनको होना, मगर ये देखा जाता है कि कम उम्र के भी लोगों को हो जाता है। तो बस ये दवा का इस्तेमाल कीजिए, मैंने जो विधि बताया आप बनाइए और सुबह और शाम खाली पेट, सुबह खाली पेट तो हो सकता है आप सोचेंगे शाम को कैसे खाली पेट हो। दोस्तों, जब भी आप इसका यूज करें 2 घंटा खाने से पहले, खाना खाने से पहले 2 घंटा इसका आप उपयोग करें। शर्तिया इलाज है, गारंटी के साथ इलाज है, आपको इससे लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं इससे और भी कुछ फायदे लेकर आ रहा हूँ, और भी कुछ उपाय बता रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ऐसे नमूने, ऐसे ऐसे जानकारी, ऐसे जानकारी जो आप नहीं जानते होंगे मैं आपके लिए खोज करके, ढूंढ करके लाता हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को दे सकूँ।
और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत के लोग इससे फायदा ले सके, इसके गुण को अपना सके, इसके महत्व को समझ सके। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें और मुझे कमेंट जरूर करें। आपको और कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं आपके लिए हर तरह से प्रयास करूंगा हर तरह के रोग का इलाज करने के लिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।